द मौर्य एंड वेरी अपसेट कि वो नहीं आ पाई हमारे साथ बिकॉज डॉग्स को भी देखना है और क्योंकि मैंने डॉग्स की ड्यूटी के नाम पे मैं बॉम्बे आई हूँ पर मैं रस्सी रस्सी मिल रही हूँ तो शी इज़ वेरी अपसेट. तो हमने कहा हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करके उनको एक्सपीरियंस कराए कि हम क्या कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. यस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई मॉम्स यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विथ मॉली. सरप्राइज, आज मैं एक छोटा सा बिट शूट कर रही हूँ विदाउट माँ. अभी बज रहे हैं 7:59 AM, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और मैं दिखा देती हूँ. ये है झिनुक, यहाँ लेटी हुई है, और ये है रीनी, यहाँ लेटी हुई है. तो हम लोग तीनों उठे हुए हैं 6:30 AM के. मेरे पापा शायद थोड़ा जल्दी और ले जाते हैं वॉक के लिए 6 AM, बट मैं 6:30 उठी. और जैसे कि मम्मी ने आप लोग को कल कहा कि मुझे थोड़ा सा वीकनेस है तो आई हैड सम ट्रबल गोइंग टू स्लीप एंड फिर 6:30 को उठी. हम लोग तीनों रेडी वेडी हुए नाइट सूट से, वॉक सूट पे आए, वॉक करने गए, सुसु पॉटी किया, इन दोनों ने नीचे उसको साफ वाफ किया, उसके बाद ऊपर ले आए. इनकी थोड़ी दवाइयाँ होती है बिकॉज रीनी इज़ नाउ अ सीनियर सिटीज़न, तो उनको दवाई वगैरह मैंने दिया. उसके बाद खाना वाना रेडी किया तो मम्मी किचन में आवाज़ वगैरह सुन के उठ के आई कि तुम सब मैनेज कर रही हो ना. तो मैंने कहा यस यस आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, बिकॉज मम्मी भूल गई है कि बहुत साल ये काम एक्चुअली मैंने किया है और मेरे बाद आई हैंडेड ओवर द बेटन टू माई फादर एंड नाउ ही डज इट. बट काफ़ी साल जब मैं कॉलेज वॉलेज में थी और मेरे पापा दिल्ली देहरादून में पोस्टेड थे तो ये सारा काम मैं ही करती थी, पर अब मम्मी भूल चुकी है बात. इसलिए मम्मी बहुत कंसर्न होती है कि आई यू मैनेजिंग. तो आई मैनेज. खाने के पहले दवाइयाँ होती है, खाने के बाद दवाइयाँ होती है. रीनी के स्किन पे काफ़ी सारे वॉट्स आ गए हैं बिकॉज अगेन ऑफ ओल्ड एज, तो उस पर दवाई लगानी पड़ती है. तो काफ़ी कुछ कर वर के अभी 8 बजे वी आर ऑल डन एंड मम्मी इज़ गॉन बैक टू स्लीप और दीज टू आर ऑल्सो गोइंग बैक टू स्लीप वेरी सून. तो मैं कॉन्टम्पलेट कर रही हूँ कि मुझे सोना चाहिए कि कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए. देखते हैं क्या करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट मॉम हैज़ इन स्टोर फॉर यू टुडे. हेलो नमस्कार, और हम आज आपके सामने पेश करते हैं, अरे नीचे देखा और हमें ब्लॉगिंग में क्या बोलना है एग्जैक्टली पता नहीं है. वी आर नॉट एज प्रो एज अ गुरु, सो प्लीज माफ कर दीजिएगा. बड़ा मजा आ रहा है क्रीम सेंटर, दैट इज एट का आर सिटी घाट को पर, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है. 100% कैपेसिटी के बाद लोग ऐसे लग रहे हैं कि 2 साल बाद यही आए हैं. सब खाने बिल्कुल भी प्रिवेसी नहीं है पर हमारा आवाज़ इतना लाउड है कि सबको सप्रेस कर इतना ही फिलहाल इतना ही बोल सकती हूँ. अभी हम खाएंगे, बाय, सी यू लेटर, बाय. हेलो एवरीवन, ब्लॉग शुरू करने से पहले ही रसिका ने बोला कि भाई मुझे पता नहीं ब्लॉगिंग आता है कि नहीं, पर उसने इतना प्रो ब्लॉगिंग किया है, प्रो बातें की है, प्रो एक्सप्रेशन दिए है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं खाना खाऊंगी. बट फनी थिंग इज कि मॉली आंटी के साथ रसिका और मेरा, मतलब मेरा तो ठीक है, रसिका का बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ 21 साल का हमारा रिश्ता है. और क्योंकि मैं और रसिका मतलब बचपन से ही साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, ऑलमोस्ट सिस्टर्स बोल सकते, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि उसकी खुद की बहन है, मेरी नहीं है. तो मैं उसको मेरे अपने तरफ ये किया था कि रेहू मेरी भी बहन है, तो रसिका बहुत पॉजिटिव हो गई, बोलती कि नहीं रेहू मेरी कॉमेंट और बोल कि मैं सच बोल रही हूँ. तो हम लोग नहीं रेडी है, ये सब जोक्स अपार्ट, वी आर वेरी वेरी क्लोज. तो क्या होता था, बहुत जगह ऐसे होता था कि मम्मी मैं और रसिका तीनों जा रहे थे घूमने, क्योंकि ऑब्वियसली ये कि बिल्डिंग में रहते इतने साल पुराना एसोसिएशन, तो सबको लगने लगा कि मौली जी जो है पवई में कथक सिखाती हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं. क्योंकि वी आर वेरी, देखने में से हम साथ में भी फ्रेम में आके आपको दिखाएंगे, वी आर वेरी सिमिलर, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारा अपने आप को स्टाइल करने का स्टाइल सब वेरी सिमिलर. सबको लगने लगा कि मौली जी की 2 बेटियाँ हैं.
तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि किसी कारणवश मेरे एग्जाम में कुछ मैं नहीं जा पाई, तो रसिका चली गई मम्मी के साथ, तो सब मम्मी को बोल रही कि अरे आपकी दूसरी बेटी नहीं आई? तो मेरी मम्मी थी, नहीं नहीं दूसरी बेटी का एग्जाम है, पहली बेटी आ तो दिस इज अ रिकरिंग जोक कि इफ यू डोंट नो अस वेरी वेल और आप एकदम से देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब मौली जी की बेटी कौन है और मौली जी की स्टूडेंट कौन है, सब एक ही. बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज अभी 20-21 साल के बाद अभी स्टूडेंट जैसा फीलिंग नहीं आता है, वो बेटी जैसे फीलिंग आता है बिकॉज आपने सभी देखा है, सभी सुना है, सभी किया है. सो दैट्स द दिस थिंग. एंड मौली आंटी इज वेरी अपसेट कि वो नहीं आ पाई हमारे साथ बिकॉज डॉग्स को भी देखना है, और क्योंकि मैंने डॉग्स की ड्यूटी के नाम पे मैं बॉम्बे आई हूँ पर मैं रस्सी कस्सी मिल रही हूँ, तो शी इज वेरी अपसेट. तो हमने कहा हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करके उनको एक्सपीरियंस कराए कि हम क्या कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. यस, अभी खाना, बाकी बातें बाद में. यस. दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो पसंद है वो उसे पसंद नहीं होना चाहिए और उसे जो पसंद है जो आपको पसंद है, तो दोनों पेट भर के खा सकते हैं. अरे भैया दे दो उसको बीन्स दे दो, सारे उसको दे दो, कैरेट उसको दे दो. हाँ चलेगा, कैरेट्स मेरे को दे दो. Me and Rasika are done with lunch. और उसके बाद अरे बाप रे, मास्क के नीचे, मास्क नीचे नहीं करना चाहिए. Talk later. मैं काफ़ी देर से रसिका को ढूंढ रही हूँ, अब वो मुझे फाइनली मिल गई है और उसके साथ हमारी एक और फ्रेंड आ गई. अब मैं मिलवाती हूँ पागलों से. मिल गए दो पागल जो शॉपिंग कर रहे हैं, मिल गए. बहुत एक्सपेंसिव. इधर आओ, इधर आओ, मेरे को मेरे साथ भी दिखो. ऐसे ऐसे करो, ऐसे इधर आना. तीन पागल. यहाँ पे प्राची एक्टिव वेयर ढूंढ रही है क्योंकि वो एक्टिव इंसान है और मैं और रसिका बेड पे रहते हैं हमेशा चिल कर. हम पजामा ढूंढ रहे हैं, तो महंगा पजामा. H&M का पजामा पजामा होता है, उस पर रिलैक्स होने से बेड डजंट केयर कि आप महंगा पजामा की सस्ता पजामा. तो हम H&M से पजामा नहीं पहनेंगे, हम बांद्रा जाके रस्ते से सस्ता पजामा खरीदेंगे और वही शॉप करें और वही पहनेंगे और वही सोएंगे. अगर 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 आप चाहते हैं कि हम पजामा थोड़ा फैंसी पहने तो हम अपना लिंक में ना अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, तो आप पैसे भेजिए ताकि हम H&M के पजामे थैंक जरूर करेंगे, ताकि हम H&M के पजामा पहन सकें. फिलहाल हमारा बैंक अकाउंट दोनों का लिंकिंग रोड का ही है. आपको एक्चुअली एम्बैरेसमेंट हुआ, हम ऐसा मास्क खुल के बात कर रहे थे, हमको बोला मैडम मास्क पहनी, कोविड अभी भी है यहाँ पे इंडिया में. 100 केसेस से कम ही है मुंबई में, बट ऑन अ सीरियस नोट हमारी तरह लुखा गिरी ना करे, मास्क पहने प्लीज जरूर. वो कह रही है मास्क पहनो, मास्क मास्क मास्क. देखिए जिनको पता नहीं है, प्राची के साथ भी हमारा अफिलिएशन 2013 से है. 13-14 से वो पहले मम्मी के पास डांस सीखती थी
कलांगन की स्टूडेंट है, हमारे साथ स्विट्जरलैंड ट्रिप्स की है। हाँ बोलिए। तो बोली क्या? और हमने, मैं सोच रही थी उसका इंट्रोडक्शन क्या दे, तो हमने डिस्कस करके उसको पूछ लिया। उसका इंट्रोडक्शन है कि वो इस ग्रुप की, रुको रुको, वो इस ग्रुप की ईशा अंबानी है। मैडम प्लीज मैडम मैडम एक पजामा खरीद दो, H&M का एक पजामा। ठीक है, शी इज द ईशा अंबानी ऑफ दिस ग्रुप। पर ईशा अंबानी अपने दोस्तों को इटली घुमाने ले जाती है, हम लोग को सब टोपी बनाती है। ये तो आप H&M का ही टोपी बनाओ, पर कुछ तो ब्रांडेड कुछ तो दो हमको। गरीब लोग जिनके पापा लोग इधर उधर सर्विस कर रहे हैं और हमको पाल पोस रहे हैं, कुछ तो गिफ्ट कर दो कुछ तो। मैडम मैडम प्लीज मैडम, वो हमको भाव भी नहीं दे रही है, वो बोल रही है ऐसी थर्ड क्लास बातें हम नहीं कर सकते, हम अंबानियों के लेवल के हैं। 3,000 का पजामा अच्छी बार पहनते हैं, तुम्हारी तरह 50 रुपए का पजामा नहीं पहनते। 50 रुपए में कौन सा पजामा मिलता है? इतना भी इतना भी इतना भी इंसल्ट मत करिए। आंटी के ब्लॉग में सरोजनी में 100 रुपए में स्वेटर, इतना इंसल्ट मत करो। मादा की हम गरीब है पर इतना इंसल्ट मत करो। हम 50 रुपए का नहीं, हम 7500 रुपीज का पजामा पहन लेते हैं। 7500 अभी रसिका, अभी हम लोग लिंक, अभी हम लोग लिंकिंग जा रहे हैं, अभी हम लोग 75 to 100। ये पता चला आपको कि ईशा अंबानी जैसी है क्योंकि उसको 75 to 100, तो इसने 7500 का पजामा सोचा। बाय बाय। कुछ उसको उसको कुछ पर्सनल बातें कर रही है, उसको पर्सनल बातें करनी है। पर आप समझिए कि मैंने कहा 7500 रुपीज का पजामा, तो उसने सोचा 7500 का, समझा 7500 का पजामा, 7500 का पजामा। आई एम ड्रंक ऑन फ्रेंडशिप, दे डोंट केयर। कमीने लोग, जितने कमीने हैं ये लोग। लिंक रोड पे रसिका हमें 50 रुपए के पजामा खरीदने ले जा रही है, बार्गेन करके। इसलिए तो मैं जा रही हूँ, मेरे को लेकर लेके जाती हूँ। सही बात है, आई कांट बार्गेन एट ऑल। बट ये दोनों चैंपियंस ऑफ बार्गेनिंग है। ईशा अंबानी बोल रही है कि मैं 10,000 का चीज 8,000 में खरीदूंगी, वही बार्गेन हो गया। 50 रुपए का आपको 5,000 बेच के देगी। रेस्ट ऑफ द क्रेजीनेस कम्स लेटर। बाय बाय बोलो, एक कमीनो बाय बाय बोलो। तो हम लोग अभी, हमने कैब ले लिया है, हम लोग अभी जा रहे हैं बांद्रा। तो दो चीजें, एक तो कि हम इतना मस्ती कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत लो है, और हम इतनी, ओह माय गॉड लुक एट द ट्रैफिक, हम लोग का इतना तीनों तीन पागलपन कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग मिले बहुत साल बाद, अरे रुकना अभी फ्रंट कैमरा में बात करें। एक तो मिले हैं बहुत साल बाद, तो ऐसे भी नहीं कि हम रोज मिलते हैं तो हम बातें ना करके कैमरा ऑन करके आपसे बातें करें, ये भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम बहुत दिन बहुत दिन बाद मिले हैं। तो बहुत बकवास चल रहा है, बहुत मस्ती चल रही है। दूसरा है कि एनर्जी डाउन हो रहा है, मेरा तो हो ही रहा है। ये लोग मतलब इन लोग को कोविड हो गया काफी टाइम हो गया, इसको 1 साल हो गया, उसको 2 साल हो गया, पर ये भी फिर टायर्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा जो भी हम लोग खरीदारी करते हैं या जो भी हमको इंटरेस्टिंग लगता है हम दिखाएंगे। प्राची ने कुछ ऑलरेडी खरीद लिया, उसने कहा कि मैं बांद्रा का वेट नहीं करूंगी, मैं घाट को पर दिखाऊं। क्या खरीदा उसने? बोला मैं बोला था कि ऊपर से खरीदूंगी। उसने कहा हाँ, दो चीजें थी। एक उसने कहा कि मैं ईशा अंबानी हूँ तो मैं पहले से खरीदना चालू कर देती हूँ, वाई वेट। दूसरा मैं गुज्जू तो मैं घाट को पर आई हूँ तो कुछ खरीद के ले जाऊंगी। तो प्राची दिखा रही है, रोज हमारी शॉपिंग होती है। प्राची ने बहुत सुंदर है, लेकिन इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी प्रिटी, उसने मोजड़ीज ली है, बहुत स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस नो, वेरी नाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं एंड वी विल शो यू व्हाट वी डूइंग। रियली सॉरी, ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, बहुत थकान हो गई, बहुत थकान। किसमें? रसिका रीटचिंग हर मेकअप।
ईशा अंबानी प्रीटीएस्ट एवर. थैंक यू. आई वांट टू फोटो स्टोरी. तो ये काफ़ी इंटीमेट सा और क्यूट सा कैफ़े है, तो मैं बहुत लवली नहीं बात कर सकती. बट ईशा अंबानी ने, ईशा अंबानी के खजाने से, ईशा अंबानी अपनी ईशा अंबानी के खजाने से निकला है शनेल का एक बहुत क्यूट सा टेस्ट ऑफ परफ्यूम टाइप. इतना इतना बैंक अकाउंट नहीं है जितना परफ्यूम का दाम. वो इतना हाँ तो हमने की नाम है लेकिन दोबारा में नहीं है बैंक बैठी. ठीक है, इसका कुछ हम बहुत अच्छा नाम सोचेंगे. तो हमने प्राची से पूछा कि प्राची इसका क्या प्राइस होगा, मतलब इस साइज के बॉक्स का कोई भी ब्रांड नहीं है. तो उसने कहा कि यार ये परफ्यूम से बहुत सस्ते हैं. हमने कहा कितनी ले दो, 50 ml फॉर 5,000-6,000 बक्स ओनली ओनली. साथ में उसने ओनली वापस एकदम इनोसेंस के साथ वापस इसलिए हमने बहुत करेक्टली उसका नाम ईशा अंबानी रखा. अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि स्टार्टिंग में हमने उसको ईशा अंबानी क्यों बोला. इसलिए बोला क्योंकि इसने बोला 5,000 ओनली, नो बिग डील, 50 नो बिग डील, नो बिना नहीं, मतलब अभी कितना है. और हमने अभी लिटरली मैंने और रसिका ने परफ्यूम करी 150, वो भी 200 का लगा. हमने एक देखा 200 का परफ्यूम. वेरी नाइस ग्रेफिटी यार, व्हाट द हेल, इट्स अ वेरी नाइस ग्रेफिटी. हेलेन आशा पारेख, आशा पारेख, हेलेन वहीदा रहमान, वेरी नाइस ग्रेफिटी. इतना अच्छा ग्रेफिटी मुंबई में, रियली 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 वेल डन. हालत देखिए, इतना ज्यादा हम पागल जैसा शॉपिंग कर रही है. देखिए ऑल ऑफ दीज इधर उधर, माय फेस, ऑल ऑफ दीज आर फॉर जस्ट 300. एक मिनट में पे कर दूं. हो गया भैया, ऑल ऑफ दीज आर फॉर 50s. कैसे घूमा. एंड ऑल ऑफ दीज आर फॉर 100. ईच ऑफ दीज हमने बहुत सारा लिया है, गरीब हो गए हम. कल दे देते दे इनको कोई. हम लोग गरीब हो गए शॉपिंग कर करके, दिख भी वैसे रहे हैं, बैंक बैलेंस भी वैसा है. आप समझ लीजिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे. देख के पता चल रहा है कि मैं घर वापस आ गई हूँ. रसिका और प्राची दोनों गए हैं डिनर करने और मैं दो कारण के वजह से वापस आ गई हूँ. एक तो काफी थकान हुई है, ये सच बात है, और दूसरी पूरा दिन मैं बाहर थी तो मम्मी इन दोनों के साथ, रीनी और जीनू के साथ अकेली थी. तो मैंने सोचा कि मैं कट शॉर्ट कर देती हूँ और वापस आ जाती हूँ और मैं मिला देती हूँ. ये है रीनी और रीनी, ये देखो, ये है रीनी और ये है जीनी. हेलो. तो ये रही किधर गई, मुझे ये नहीं, और ये जीनू. और बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं. कल या परसों जब भी टाइम मिले मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है. सो देन यू गाइस कैन चेक इट आउट, कि अगर आप लोग बांद्रा जाए तो आप लोग भी वहां से शॉप कर सकते हैं. हालत बहुत ही बुरा है बट अब क्या कर सकते हैं. और ये आ गई है, देखिए आज तो ऐसा हो गया जैसे आई एम द गेस्ट ऑफ माय चैनल. नहीं पूरा दिन, क्योंकि मुझे छोड़ के चली गई, पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी. और उसने रिकॉर्डिंग की तो देखिए उसने किस तरह से एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ. अभी आपको कुछ बोलना है क्लोजिंग रिमार्क्स, क्योंकि मैं बहुत थक गई. आप ही करो ना, एंड करो, गुड बाय बोलो. ओके, तो जरूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा. मैं मम्मी की तरह रोज रोज तो व्लॉग करती नहीं, बट आई होप यू रियली लाइक इट. प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
to, if you haven't subscribed, please subscribe to Shades of Life with Molly. Good night.